ये अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है सचिन डे घरेलू देसी नुस्खे में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हाइपर एसिडिटी या अम्लपित्त पित्त दोष के बारे में। तो दोस्तों, ऐसी हाइपर एसिडिटी हो जाती है जिससे आप परेशान हो जाते हैं और आपके हर बॉडी में हर जगह दर्द होना शुरू हो जाता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अम्लपित्त को लेकर के या हाइपर एसिडिटी को लेकर के आपको घरेलू नुस्खा, अगर जो आप ये वाला करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको 100% लाभ होगा और आपके जो दर्द कहीं ना कहीं बन जाता है, या गैस का दर्द भी होता है, जैसे कि आपकी कहीं भी टकरा जाता है गैस का दर्द, तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। और जैसे कि आपके शरीर में दर्द तो बनता ही है, और उसके अलावा भी जैसे कि आपका तेजाब बनता है, खट्टी डकारें आती हैं, तो इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक पास करना। जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी आने वाली वीडियो मिस ना हो पाए। बेल आइकन को जरूर दबाएं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या लेना है, 100 ग्राम हरड़ का छिलका लेना है दोस्तों, 100 ग्राम यहाँ पर सूखा आंवला लेना है, और 100 ग्राम यहाँ पे मुलहटी लेनी है, और 100 ग्राम आपको यहाँ पे सूखे अनार के बीज लेने हैं। और ये लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पर पांचवी रेमेडीज जो यहाँ पर आपको लेनी है, वो लेनी है 100 ग्राम कुटकी। तो इन पांचों चीजों को अच्छी तरह के तरीके से ग्राइंडर मशीन में चूरन बना ले, और बनाने के बाद दोस्तों खाना खाने के 1 घंटा पहले इसका आपको सेवन करना है। आप दिन में एक बार लें इसका आधा चम्मच लें, और जो एक एक नुस्खा हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको खाना खाने के 20 मिनट बाद यहाँ पर आपको लेना है अभिपित कर चूरन, या आपका बैद्यनाथ का मिल जाएगा दोस्तों, इसका आप सेवन कर सकते हैं। तो कुल मात्रा आप यहाँ 15 दिन पे ही करेंगे तो आपकी जो हाइपर एसिडिटी है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, अम्लपित्त तेजाब बिल्कुल दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। अगर जो हमारी आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलता है अगली जानकारी के साथ, फिर से नमस्कार।